daughter. Hey, what's up guys? आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी पर। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग गेम है और इससे पहले वाले एपिसोड में हमको रैक हमने अपना पहला ट्रायल दिया कंप्लीट करने के लिए। हम लोग उसी डंजन के अंदर है जहाँ पे हमको अपना पहला ट्रायल कंप्लीट करना है। तो मैं चल रहा हूँ अपना पहला ट्रायल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे एक स्टैचू है, मेरे को लग नहीं रहा ये जिंदा होगी, होनी नीचे ही है, शायद नीचे की तरफ ही जाना है हमें। ओ भाई वहाँ पे कुछ था क्या उड़ते? अच्छा पानी है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ब्रिज आएगा मेरे को लग रहा है। हाँ तो मेरे को पहले नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। दोनों स्टेयर शायद एक ही साइड जाती हैं। हाँ एक ही साइड जा रही हैं दोनों स्टेयर्स। मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ पे इनविजिबल फूल आ गया है भाई एक। ओ भाई यहाँ पे एक चेस्ट ही, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। 39 रुपये मिल चुके हैं मेरे को भाई। पैसा बहुत कम हो रहा है मेरे पास क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर। ओ भाई देखो मैंने कह रहा था ना यहाँ पे पुल आ गया है एक, वहाँ पे भी एक चेस्ट है भाई, उसको भी ले लेता हूँ मैं। लोअर लेवल का है भाई, मेरे को इसको इन सबको सेल भी करना पड़ेगा भाई, मेरी इन्वेंटोरी ना भर जाए कहीं। इसको भी ले लेता हूँ, ये भी लोअर लेवल का भाई, सब लोअर लेवल का मिल रहा है अभी मेरे को भाई। मैं कॉस्ट्यूम चेंज करता हूँ भाई, इससे पहले वाले एपिसोड में भी यही पहना था मैंने। तो यहाँ से जाता हूँ गियर में। वो भाई हाई लेवल का है क्या? नहीं लो लेवल का है, वो भी बेकार है। तो मेरे को कॉस्ट्यूम चेंज करनी थी ना अपनी। हाँ सब ये लो लेवल के हैं, बेफर्जी के हैं। तो भाई मैं डार्क में एंटर कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या पहनना चाहिए? नहीं यार ये बेकार है, ये भी अच्छा है लेकिन मेरे को पहनना है ये, मेरा मन कर रहा है ये पहनने का। और चश्मा हटाता हूँ मैं अपने आँखों से। थोड़ा बैटल मोड में जाएं हम लोग। इसको भी चेंज कर दूँ क्या अंदर का आउटफिट? ये पहन लूँ क्या? नहीं यार उतना खास नहीं लग रहा है ये ब्लू वाला। नहीं वाइट तो बिल्कुल ही बेकार लग रहा है, यही सही है। चलो भाई इसी को पहनता हूँ मैं। और वॉन्ड तो मेरी सही लग रही है, वॉन्ड अभी मेरे पास 3 ही 4 मतलब 6 हैंडल आए टोटल, 6 या 7 हैंडल है मेरे पास, वही है। और मैं चलता हूँ भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं चलता हूँ आगे की तरफ। ओ भाई ये सीढ़ी ऊपर नीचे क्यों कर रही है इतना? भाई नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ गई भाई ये सीढ़ियाँ, ऐसा क्यों? ओके जिस तरफ को मेरे को जाना है ये उसी तरफ को जाएंगी सीढ़ी, ठीक है भाई। ओ यहाँ पे मेरे को लग रहा है बैटल होने वाली है मेरी। एनिमी मूव किया क्या पता नहीं भाई, मेरे को लग रहा है भाई यहाँ बैटल होने वाली है मेरी। ओ भाई यहाँ पे मेरे को ये क्या लेके जा रहा है? भाई मेरे को आवाज़ आई, लग रहा है भाई मेरे को बैटल होगी यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे चेस्ट चेक कर लेता हूँ फिर देखता हूँ। यहाँ पे मेरे को आना है वैसे इन्वेस्टिगेट करने, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके ठीक है, मेरे को इस दरवाजे से अंदर जाना है, उस दरवाजे से आया था और इस दरवाजे से मेरे को एंटर करना है इधर साइड। ओके मेरे को पीछे साइड से एंटर करना था इधर से, मैं सामने से एंटर कर रहा था ना, जैसे मैं एंटर कर रहा था इधर से तो कुछ नहीं बदल रहा था, जैसे ही मैंने एंटर किया इधर से देखो यहाँ पे अलग दिखा रहा है, यहाँ पे अलग दिखा रहा है सीनरी। तो मेरे को यहाँ से एंटर करना है इस तरफ से, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ओह भाई मैं तब से परेशान हूँ, जाना कहाँ पे है मेरे को? ये क्या है, इसको आग लगानी है? नहीं। ओ भाई ये कौन सी आवाज़ आई ड्रामने? तो यहाँ पे शायद और तो कुछ है नहीं, आगे की तरफ ही देखता। ओ भाई यहाँ पे और वॉरियर दिख रहे हैं मुझे, डिस्ट्रॉय कर देता हूँ भाई पहले मैं इनको जिंदा होने से। ओके ये भी गया, इसको भी डिस्ट्रॉय, ये भी डिस्ट्रॉय, और ये भी डिस्ट्रॉय, और ये तो नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। मेरे हिसाब से मेरी बैटल तो होगी यहाँ पे अभी, एक मिनट रुको, शायद सामने जो बंदा है उससे बैटल होगी मेरे को लग रहा है, देख लेता हूँ मैं। हाँ मेरे को लग रहा था भाई इससे बैटल होगी, मेरे को लग रहा था। ओ भाई 3 है वो भी एक साथ। ओ भाई एक मिनट रुको, ये ले भाई एंशिएंट मैजिक ले तू पहले एक ही बार में। ओ भाई ये लोग गंदी बात है, गलत बात है, एक मिनट रुको पहले मैं इसको खींचता हूँ, ये ले और ये गया। एक मिनट डॉच कर,
इसको मैं यूज कर सकता हूँ, आरबी से थ्रो कर सकता हूँ इसको, ये ले। तीसरा अपने पास जैनियो और ये गया। कीप एन एनिमी एयरबोर्न, ओ भाई 10 सेकंड के लिए एयरबोर्न करना था मेरे को एनिमी को, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। साइड क्वेस्ट भी था ना मेरा एक, लेकिन इन सबको तो हॉके दिया मैंने, इसको भी तोड़ देता हूँ, क्या पता अब जिंदा हो जाए बाद में, कोई भरोसा नहीं इन लोगों का। ओ भाई यहाँ पे एक साइड क्वेस्ट भी है मेरे पास, इधर तो कुछ नहीं है ना भाई, मैं देख ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या पता हाई लेवल की गियर मिल जाए। तो मेरे हिसाब से मेरे को इस पे अटैक करना पड़ेगा, तब यहाँ पे दरवाजा आएगा। हाँ लग रहा था मेरे को, और वहाँ पे सामने एक चेस्ट दिख रही है मेरे को। भाई ये इतना हिल का हिरा है, पहुँच गया ऊपर, और यहाँ से भाई लोअर लेवल की चेस्ट मिली है बेकार सी भाई, बस मेरे को डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए। ठीक है चलो मैं पहुँच तो गया हूँ वापस यहाँ पे, मेरे को जाना वैसे वहाँ नहीं था, मेरे को जाना सामने की तरफ ही है, इधर साइड से या फिर उधर साइड से, दोनों सेम ही है मेरे हिसाब से रास्ते। हाँ रास्ते सेम ही है। ओके मेरे को शायद एक्टिव से खींचना है इसको अपनी तरफ, और वहाँ पे चेस्ट दिख रही है मेरे को, ये नीचे भी उतर सकता हूँ भाई यहाँ से मैं, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ से। तो मेरे को शायद अभी जाना चाहिए वहाँ पे। ठीक है यहाँ पे तो मैं आ गया, लेकिन मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगा, एक मिनट उतरता हूँ मैं नीचे। तो मेरे हिसाब से मेरे को खींचना चाहिए इसको इधर। ठीक है तो मैं इसको वहाँ पे ऐसे खींच पाऊँगा, एक मिनट रुको मैं जाता हूँ यहाँ से ऊपर, देता हूँ इसको थोड़ा और पास। अब मैं इस पर चढ़ जाऊँगा ऊपर, अब मैं शायद उधर की तरफ जा पाऊँगा, नहीं यार उधर की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ मैं कुछ तरीका। ओके भाई वहाँ पे है एक तो खींचने वाला, ठीक है ये हो। ओ भाई यहाँ पे भी एक और है, मैं उस पे कैसे जाऊंगा, वहाँ पे मेरे को वो चेस्ट कलेक्ट करनी है, एक चेस्ट वहाँ पे भी है। ओ भाई एक चेस्ट इसके पास भी अंदर दिखा रहा है, एक मिनट रुको मैं जाके देखता हूँ, इधर है भाई वो चेस्ट। भाई पता नहीं चल रहा, लेकिन पहले मेरे को यहाँ पे शायद वो करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा पहले। हाँ फिर यहाँ से दरवाज़ा चेंज हो रहा है भाई, यहाँ पे तो एनिमेशन स्टार्ट हो गया भाई। ये क्या है, यहाँ से पूरा बिल्डिंग ही बदल गई। अगर मैं इसको क्रॉस करके जाऊंगा तो यहाँ पे एक अनआइडेंटिफाई वो आया ऑब्जेक्ट आया है मेरे पास, और यहाँ पे पूरा एरिया बंद है, यहाँ तो पूरा एरिया बंद है। ठीक है शायद मेरे को इसके इधर साइड से एंटर करना पड़ेगा, उल्टे साइड को, वो मैं करूँगा कैसे तभी मैं उस पार जा पाऊँगा, या तो फिर ये होगा। ओ भाई ये तो ऐसे ही आ गया मैं, तो मैं ऐसे ही आ गया, जरूरत ही नहीं थी मेरे को, लेकिन मैं उधर अब जा सकता हूँ इस तरीके से। इसको मेरे को खींचना पड़ेगा अपनी तरफ, इधर आ जा तू, ठीक है तब मैं उधर जा पाऊंगा और मैं वहां पे भी जा सकता हूँ। यहाँ पे जाना है अब मेरे को, और इसको कलेक्ट कर लेना है, मैं जाऊंगा इधर से इधर को, और यहाँ पे मैं कूद के इसको भी ले लूँगा। ठीक है भाई ईजिली मैंने ले लिया सबको, अब मेरे को जाना है इससे इधर, अब मैं इधर से जा सकता हूँ उधर आ जा। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे मेरे को लग रहा है जितना। भाई एक्यो बड़ा औसम स्पेल है यार, इसमें बहुत काम आ जा रहा है एक्यो इसमें। और यहाँ से मैं एंटर कर चुका हूँ एक और स्टेज पे, पहले मैं इसको दबा कर देता हूँ भाई, इन स्टैचू को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ पहले, इन लोगों के जगने से पहले ही। ओ भाई एक और स्टैचू जग गया है, ओ भाई दो जग गए, अब तो मैं गया। ओ भाई मेरे पास एंशिएंट मैजिक है, ये ले एक तो गया आराम से गया। ओ भाई एक बार डॉच कर डॉच कर, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले
भाई, ओ भाई सही टाइम पे किया मैंने। डॉट कर डिफेंडो दिया, एक मिनट को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। ये कैंपिंगो दिया, रिपल्सो, नॉर्मल स्पेल, डॉट, ये कैंपिंगो लो, रिपल्सो लो, लेवियोसो, कैंपिंगो, नॉर्मल स्पेल्स। ओ भाई मजा आ गया यार नए नए स्पेल यूज करने में। भाई चेंज हो रहा है, मतलब मेरे को थोड़ा लेवल हेड रखना पड़ेगा तब मैं कर पाऊंगा। तो ठीक है, मेरे को यहाँ पे एंशिएंट मैजिक के ट्रेसेस फाइंड करने हैं। और तो नीचे तो यहाँ पे कोई गियर वेयर तो नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ। गियर तो नहीं है यहाँ पे कुछ। ओके, ऊपर मेरे को एक गियर दिख रहा है, यहाँ पे एक वॉरियर है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ मैं। पहले जिंदा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी मेरे को इसको भी। ये तो आधा टूटा ही हुआ है। लो भाई जाना यहाँ पे है, तो मेरे को इसको बुलाना पड़ेगा इधर। आ जाओ, हवा में रखा है भाई एंशिएंट मैजिक के ट्रेस, देख रहे हो। और यहाँ से मैंने एंशिएंट मैजिक खोल दिया है। ओ भाई ये देख रहे हो, ये दरवाजा भी एक है और एक दो चीजें यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए भी आई हैं। तो मैं इसको लूंगा कैसे, तो मेरे को ले जाना है इसको उधर साइड, शायद ऐसे ही समथिंग है। मैं लेके कैसे जाऊंगा इसको? वो भाई शायद नीचे से जा सकता हूँ मैं उधर, कि नहीं जा सकता हूँ देखो एक बार नीचे उतर के। ऊपर तो मैं ऐसे नहीं चढ़ पाऊंगा, मेरे को जाना तो उससे ही पड़ेगा अंदर शायद। एक बार मैं इधर से एंटर करता हूँ तब क्या हाल है देखता हूँ मैं। हाँ भाई, जैसे मैं इधर से इधर को आया, मतलब उधर से इस साइड को आया, तो यहाँ पे जो बीच में जो आड़ा आ रहा था वो हट चुका है। इसको मैं खींचता हूँ अपनी तरफ पहले, फिर मैं चढ़ता हूँ इस पर और मैं जा सकता हूँ। फिर किधर साइड जाऊँगा मैं भाई? कुछ खींचने के लिए भी नहीं है क्या इधर को? Okay, मेरे हिसाब से मैं इधर से ऊपर जा सकता हूँ क्या? हाँ भाई, तो मेरे को शायद इसको इधर को खींचना पड़ेगा। आजा आजा आजा, तो ठीक है इसको मैंने खींच लिया इधर, अब मैं चढ़ता हूँ इस पर और फिर मैं जा सकता हूँ इधर, शायद जा सकता हूँ मैं इधर। आजा, हाँ भाई ठीक है, मैं इधर तो चढ़ गया इस पर और मेरे को मिल गया ये बेकार सा गैजेट, बेकार सा गैजेट बोल लो, बेकार सा स्पेल। उन पे भी कुछ काम नहीं होगा ना सर? ओके हो गया भाई। मेरे को शायद एक बार इधर से उल्टी साइड भी जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब मैं जाऊंगा दूसरी साइड को। एक बार मैं देखता हूँ, पहले मैं इधर से जाता हूँ इधर साइड, तब क्या होता है। Seems I ought to explore this archway from both sides. ओके, तब मैं शायद उधर जा पाऊंगा क्या ऐसे में, पता नहीं भाई। लेकिन ये बस बीच वाला ही हिस्सा हटा रहा है, इतना मेरे को लग रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है ये। मैं इसको बुला लेता हूँ इधर, फिर मैं जाता हूँ सामने की तरफ। सिंपल सा यही टास्क है, ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, समझ जाओगे इजिली आप लोग। बोथ साइड्स ऑफ द आर्चवे टू गेट द प्लेटफॉर्म टू द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हट उड़ जा प्रॉपर, और ये गया ठीक है, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने। और एक यहाँ पे एक चेस्ट है भाई। I'll never get used to these floors. ओ भाई मेरे को एक और वो मिला है, हेड गियर मिला है थोड़ा हाई लेवल का, मैं ले लेता हूँ उसको भी। यहाँ से जाता हूँ पहले मैं हेड पे और ये मैंने इक्विप कर लिया भाई, बेकार लग रहा है। लेकिन भाई मेरा डिफेंस बहुत हाई हो गया, डिफेंस भी और अटैक भी, और एचपी तो भाई मेरी बढ़ ही नहीं रही है, मेरे को लग रहा है 175 ही थी, 175 ही है भाई। ये सही में फ्लोर बड़े ट्रिपी हैं यार, ये घट जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं अपने आप ही। ओ भाई मेरे को लग रहा है बैटल होने वाली है भ्रम की। पहले मैं इनको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, एक वहाँ पे है भाई, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा मतलब भाई, ये भी नहीं होगा, मतलब दो बंदों से तो लड़ना ही पड़ेगा मेरे को किसी भी तरीके से। तीन भाई, एक बंदा जिंदा हो गया। आ जाए लवियोसो, लवियोसो, इंसेनियो नहीं, इसको लेता हूँ मैं चेंज।
ये एक्सपेलियामस एक्सपेलियामस ओ भाई ओ भाई डॉच कर ये ले एक गया भाई नॉर्मल स्पेल चले डिफेंडर ओ भाई डॉच कर हिट ऑल एनिमी एक्सपेलियामस दे ओ भाई डॉच कर ओ भाई एक बार इसको ले लेता हूँ मैं भाई यहाँ पे कुछ थ्रो करने के लिए नहीं है क्या मेरे पास आरबी कुछ नहीं है थ्रो करने के लिए एक मिनट रुको मैं ये वाला लेता हूँ फ्रिंगो रिपल्सो लवियोसो डॉच कर डिफेंडो एक्सपेलियामस नहीं दे सकता मैं डॉच कर एक गया फ्रिंगो दिया भाई इसको मैं दे सकता हूँ ये ले भाई एक और बंदा जिंदा हो गया यार कितने एनिमी आ गए भाई एक ही बार में ये इसको फाइंड दिया इसको मैंने डॉच कर ओ भाई ब्लॉक किया लेकिन मैं उड़ गया डॉच कर वो हॉकता हूँ पहले मैं ये ले डॉच कर वो हॉक देता हूँ पहले चलो इसी को हॉक देता हूँ मैं ये इलेक्ट्रॉन फिंगो ले मैं इसको तो दे ही सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ वो डॉच कर रिपल्सो डिफेंडो गया नहीं गया ये लेवियोसो ले ये ले स्क्रिप्ट ऑफ फाइम इसको दे दिया मैंने ये ले पल्सो ये ले भाई अब तो गया ये बस भाई थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए और ना मजा आ जाए भाई ये उस टाइम नहीं दिखा रहा था मेरे को ये जो ये बॉल वाला है इनको शायद नीचे गिराना पड़ेगा तभी ये अटैक करते हैं क्या नहीं भाई ये मेरे को दिखा तो रहा है पकड़ने के लेकिन पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं इनको और तो कोई एनिमी नहीं है ना भाई तो हॉकी दिया है मैंने वैसे अब मेरे को शायद यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एंशिएंट मैजिक के ट्रेस दिख रहा था मेरे को कहीं पे यहीं पे कहीं दिख तो रहा था ये रहा ओ भाई मैं सामने की तरफ जा सकता हूँ शायद ऐसे नहीं जा सकता हूँ एक बार यूज़ करता हूँ मैं ओ भाई एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है डिपल्सो यूज़ नहीं करना है मेरे को चेंज कर इसको नीचे ला ले उसे खींचना है अपने पास मैं चढ़ूंगा इधर इसको खींचूंगा मैं इधर शायद पूरा खींच सकता हूँ कि नहीं खींच सकता हूँ भाई नीचे चेस्ट है पहले चेस्ट लूँगा मैं वो अच्छा इधर भाई मैं चेस्ट कैसे लूँगा वो क्योंकि मेरे को उधर से वो चेस्ट नहीं दिख रही है तो मैं चेस्ट कैसे लूँ शायद इधर से ले लूँ हाँ भाई ऐसे ले सकता हूँ मैं वो चेस्ट ठीक है यहाँ से मैं ले ली भाई लोअर लेवल की चेस्ट है यार धोखा दे दिया इसने मेरे को ओके अब मैं शायद इस पर चढ़ जाऊँ कि नहीं चढ़ पाऊँगा इधर इस लेता हूँ अपनी तरह थोड़ा और आ जा Now to see what's changed on each side of the archway. अबे यार नीचे गिर गया मैं फिर थोड़ा सा इधर ठीक है मेरे हिसाब से फिर मैं इसको खींचूंगा तो दोनों साथ में जुड़ेंगे अब सही है भाई ये करना था मेरे को ठीक है भाई ये करना था मेरे को अब मेरे को उधर को खींचना है भाई ये सही था एक वहाँ पे भी खींचने वाला था वहाँ पे भी कुछ है क्या रुको मैं देखता हूँ उधर ही मेरे को कुछ एंशिएंट मैजिक जैसा कुछ दिखा क्या नहीं भाई कुछ नहीं है यहाँ पे मेरे को जाना वहीं पे मतलब ठीक है ठीक है ठीक है चलो मैं पहुँच चुका हूँ इधर साइड अभी नीचे गिरता मैं यहाँ पे और डेंजर बंदे ना हो यार मजा आती है फाइटिंग करने में लेकिन इसमें भी यहाँ पे कुछ ओ भाई सही है भाई पोशन मेरे को मिल गए दो और भाई पोशन तो मेरे को बनाने पड़ेंगे यार मेरे को पोशन वाली टेबल एक दो और बनानी पड़ेगी वहाँ पे जिससे कि मैं ये पोशन बना सकूँ अपने लिए और भी मेरे को पोशन बनाना सीखना पड़ेगा यार मैंने एक ठंडा पोशन की रेसिपी ले रखी थी लेकिन बनाया नहीं अभी तक क्योंकि मेरे पास इंग्रेडिएंट नहीं थे ये क्या हुआ भाई अच्छा दरवाज़ा बंद हो गया और यहाँ पर दूसरा दरवाज़ा खुल गया भाई बैटल होने वाली है मेरी ओ भाई पाँच पोशन अब तो पक्का बैटल होने वाली है तो पक्का बैटल होने वाली भाई ये स्टेयर बड़े गंदे हैं यार डराते हैं भाई ये गिर गए तो और दिक्कत है तो
मैं आज, ओ भाई कह रहा था ना मैं यहाँ पे बैटन होने वाली है। ओके ये आएंगे नहीं, मेरे को तो बदलना पड़ेगा। ये करता हूँ मैं, ये ले एक्सपेलियामस दे, एक्यूले, ओ भाई डिफेंडो ले, लेवियोसो लो, नॉर्मल स्पेल नॉर्मल स्पेल नॉर्मल स्पेल, इसको देता हूँ मैं अपना, ये ले, ठीक है एक बंदा तो गया, वो डॉच कर, ये ले इसको भेज देता हूँ मैं, इसको तो मार ही देता हूँ फिर, ओ प्रोटैगोर, ओ भाई बच गया मैं, ये ले भाई डॉच, ओ भाई डॉच नहीं कर पाया यार मैं, ये ले क्यों ले, ओ भाई उसने मेरे को भी मारा, मैंने भी मार दिया उसको, ओ भाई लाइव नहीं है, ये ले उसको फाइम ले दो, और डॉच कर भाई, डॉच कर लिया सही टाइम पे, मैंने खोपड़ी पे ध्यान दिया अपने, डॉच कर डॉच कर डॉच कर भाई, ये क्या हो रहा है, डिफेंडो ले एक्सपेलियामस और इसको दे खोपड़ी पे अपने, क्यों लो लेवियोसो लो, चेंज करता हूँ पिंगो लो, रिपल्सो लो, भाई ये नहीं है क्या, डिफेंडो लो भाई, स्पेल चेंज करना सीख रहा हूँ मैं थोड़ा, एक्सपेलियामस लो, ओ भाई स्पेल चेंज करना थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ मैं इन बैटल में, ओ भाई लो टॉर्च करना कहीं में आ गया, टॉर्च कर लेवियोसो, लेवियोसो थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है ये भाई, डॉर्च कर मेरे साथ, ओ भाई लाइफ ले गया भाई, आधी से ज़्यादा लाइफ ले गया ये मेरी, ये ले भाई एंशिएंट मैजिक ले तो, ये ले थोड़ी तो लाइफ गई, ओ भाई लेवियोसो इसको काम नहीं कर रहा है लेकिन इसको, क्यों ले, ओ भाई वहाँ पे एंशिएंट मैजिक का ट्रेस गिरा है थोड़ा, मैं उसको कलेक्ट करूँगी, करने की सोच रहा हूँ लेकिन कलेक्ट कर नहीं पाऊँगा मैं, ओ भाई ये तो मैं भूल ही गया, ये भी कर सकता हूँ यार, बना रहा है क्या, ओ भाई दे दिया इसने मेरे को खोपड़ी पे दे दिया यार, ये ले भाई डॉल्फ, मैं मारूँगा कैसे यार, डिस्ट्रॉय द ऑर्ब एज इट इज चार्ज, ठीक है मेरे को डिस्ट्रॉय करना ऑर्ब, ओ भाई डॉच कर, ओ भाई यूज हो जा, ये ले डिस्ट्रॉय कैसे करूँगा उस ऑर्ब को मैं, ये ले ऑर्ब को मैं डिस्ट्रॉय कैसे करूँगा, पता नहीं इस ऑर्ब को मैं डिस्ट्रॉय कैसे करूँ यार, डॉच कर भाई, क्या था टॉर्च, ओ भाई मैं मर जाऊंगा भाई ऐसे तो, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, टॉर्च कर डिफेंडो ले, ओके मेरे को शायद समझ गया भाई कैसे डिस्ट्रॉय करना है, और ये मैं बच गया, अब मैं समझ गया भाई कैसे डिस्ट्रॉय करना है, जिस कलर का आ रहा है उसी कलर से मेरे को अटैक करना है उस पे, ओ भाई लाइफ नहीं है भाई, उस टाइम पे मैंने गलत टाइम पे मैंने यूज़ कर दिया था ये, डॉच कर आप, तो मेरे को पता चल गया कैसे उड़ाना है, ये ले ये गया तू कलियामस, ओ भाई इसको नहीं यूज़ कर सकता भी मैं, डिफेंडो दे दिया मैंने इसको, ले लेता हूँ एंशिएंट मैजिक और ये गया, ओ भाई भाई बॉस बैटल बहुत ही ज़्यादा औसम हो रही है, ओ भाई बच गया बच गया, वरना मैं गया था भाई, 10 पोशन दिए थे इन लोगों ने, सिर्फ 4 ही बच्चे, इतना मैंने यूज किया पोशन को, लेकिन मजा आ गया यार बैटल करके, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, लर्न द ट्रायल सीक्रेट, हम लोग ने ट्रायल का सीक्रेट हम लोग जानने जा रहे हैं यहाँ पे भाई, इतनी मेहनत करने के बाद अब हम लोग जानेंगे ट्रायल का सीक्रेट, भाई यहाँ पे इसने तो अपनी बड़ी मूर्ति बना दी है, ओके यहाँ पे एक पेंसिव रखा है जिसमें हम लोग, ओके भाई हाई लेवल के हेड मिली है मेरे को, और तो कुछ है नहीं शायद यहाँ पे, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, जानना है शायद पेंसिव के पास इसी मेमोरी लेन पे, ठीक है हम लोग मेमोरी लेन पे जाते हैं, ओ भाई एनिमेशन देख, आंसू बड़े वाले की आंख से गिर रहा है भाई, ये सही है, ठीक है
कि हमने कलेक्ट तो कर लिया ही है, लेकिन था क्या वो? कहानी वो था क्या यार? क्योंकि यहाँ पे उस स्टूडेंट को ये लोग एंशिएंट मैजिक सिखा रहे हैं। क्योंकि गाइस जी, जो स्टूडेंट नहीं थी, जो फोर्थ ग्रेड में आई थी डायरेक्टर, उसको एंशिएंट मैजिक सिखा रहे हैं। What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Okay, guys, मेरे हिसाब से यही तो हम लोग की मेन विलन तो नहीं है इसमें। Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Mm. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Okay, भाई ये लड़की बड़ी हो गई है। और वो कुछ बताना चाह रही है। पैंसिव आर्टिफैक्ट हमने एक्वायर कर लिया है। क्या मेरे को बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है जो यहाँ से मिल गया है मेरे को? एंटर करना है मेरे को यहाँ से मैप चेंबर में। भाई ये सही है यार, भाई डायरेक्ट हम लोग एंटर भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। अब शायद ऐसा ही होगा मेरे को लग रहा है। स्पीक टू द प्रोफेसर फिग एंड रेखम। प्रोफेसर फिग यहाँ पे हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे एक और बंदा आ गया। What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Have I seen you before? भाई इनको देखा है मैंने। We saw you in the Pensieve in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensieve. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensieve. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. Goblins. The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. Hmm. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Okay, यहाँ पे लोगों ने ट्रायल को रोक दिया है। We shall defer to you in this matter. Of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps.
but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensieve. Before the witch from the last Pensieve, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensieve provides more context. For now, we should learn what Ranrok knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Okay, guys, एक मिनट रुको, कुछ बोल रहा है क्या चांसलर? एक मिनट रुको, शायद चांसलर से बात करनी है. मैं पहले बात कर लेता हूँ इससे. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Okay, guys, यहाँ पे कुछ हमको बोला है उन्हें activation unlock. This is keeper. Keeper type का हमको unlock करने के लिए कहा उन लोगों ने कि हम लोग के उससे अपना ancient magic भी हम लोग powerful कर सकते हैं और normal spells भी. कि हम लोग का शायद पहला ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग आ चुके हैं अपने वापस से. अबे यार, कितने दिनों बाद अपने घर पे आया हूँ, मतलब हाउस में आया हूँ यार. How would you like to learn the knockback jinx, Flipendo? अबे एक और स्पेल सीखने के लिए बुला रहे हैं भाई ये मेरे को. Come and find me in the greenhouse. ठीक है गाइस, मेरे को एक और स्पेल सीखने के लिए बुला रहे हैं और मेरे को एक और मेल आई है क्या? I should ask Serona. मेल्स तो और आई नहीं मेरे पास, मेरे को लग रहा है. आउल पोस्ट में देख लेता हूँ, कोई मेल तो नहीं आई है. मेल तो मेरी सारी ओपन है. ओ भाई, एक मेल है, एक मेल है जो मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक. वो ये वाली है. आई होप यू विल कम एंड सी मी अबाउट अ पियर्सिंग एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल मैटर एंड यू. ओके भाई, मेरे को इसके मिलने जाना है कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर के लिए. ठीक है, ठीक है, इससे भी हम लोग मिलेंगे थोड़ी देर बाद. Goblin she was talking to the day. Come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Revelio. Okay, मैं ऐसे की बात कर रहा था. ये हम लोग को एक टास्क देगा, तो हम लोग वो कंप्लीट करेंगे. तो इस एपिसोड को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ. बहुत ज्यादा ऑसम एपिसोड था. हम लोग ने रैकम का पहला ट्रायल कंप्लीट किया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को उसको कंप्लीट करने में. अगर आपको मज़ा आया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दिए. तो थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय.